आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में आपके लिए कौन सी बेस्ट ब्रांच रहेगी वो मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर हम पांच ब्रांच के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर ये पांच ब्रांच में से आपको एक ब्रांच चूज करनी है डिप्लोमा में तो आपके लिए कौन सी बेहतर रहेगी उस पर मैं बात करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, ऐसे ही इंजीनियरिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगी मेरे भाई सबसे पहले। तो जैसा कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि डिप्लोमा में कौन सी ब्रांच आपकी बेटर है, कौन सी बेस्ट रहेगी आपके लिए, यहाँ पर हमारे पास पांच ब्रांच है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि अगर आपको डिप्लोमा ही करना है, आपको बीटेक नहीं करनी, आपको जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बता दूँ, जैसे अभी आपने 10th किया होगा या 12th का किया होगा, अभी आप पॉलिटेक्निक करना चाह रहे हो और आपका जो फोकस है, जो एम है, वो सिर्फ इतना सा है कि मुझे डिप्लोमा करना है, डिप्लोमा के बाद ना तो मुझे बीटेक करनी ना ही मुझे बीई करनी, मतलब आगे नहीं पढ़ना है, डिप्लोमा के बेसिस पे ही मुझे जॉब करनी है, तो आप यहाँ पर दो ब्रांच को हटा दो। कौन कौन सी ब्रांच हटा दो? कंप्यूटर साइंस हटा दो और इलेक्ट्रॉनिक्स हटा दो। अगर आपको बीटेक नहीं करनी तो इन दोनों ब्रांच से डिप्लोमा मत करना। अब आप बोलोगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त तो कंप्यूटर साइंस का बहुत ज्यादा स्कोप है, कंप्यूटर साइंस का स्कोप है बीटेक वालों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का स्कोप है बीटेक वालों के लिए, डिप्लोमा होल्डर्स का स्कोप नहीं है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। लेकिन अब यहाँ पर एक और बात बता दूं कि अगर आपको बीटेक करनी है, आपको मतलब डिप्लोमा करना है, डिप्लोमा के बाद बीटेक करनी है, या अभी आपके 50-50 चांस हैं कि आप बीटेक भी कर सकते हैं, तो आप दो ब्रांच में से चूज कर लो, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स। अब मैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस भी रिकमेंड करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स भी रिकमेंड करूंगा। अगर 60% आप कंप्यूटर साइंस में चले जाइए, 40% मेरा है उसके लिए, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, लेकिन दोनों ही ब्रांच बेटर हैं तो आप कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स भी ले सकते हैं, क्योंकि इस वक्त आपका कंप्यूटर साइंस वालों के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए काफी ज्यादा स्कोप है अगर वो बीटेक किया हुआ है। तो अगर आपको डिप्लोमा के बाद बीटेक करनी है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आपको डिप्लोमा के बाद बीटेक करनी है तो आप डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस से कीजिए, बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा, बहुत ज्यादा स्कोप है, सबसे ज्यादा स्कोप इस टाइम के बारे में बात करूं 2022-23-24 इन जो ये टाइम चल रहा है इसकी बात करूं, आने वाले 10 साल में अभी आपको पता है सारा काम मतलब कंप्यूटर साइंस ही होने वाला है, टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ रही है हर दिन वो आप भी जानते होंगे। तो अगर आपको डिप्लोमा प्लस बीटेक करना है तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस में से कोई एक ब्रांच ले लो, लेकिन अगर आपको डिप्लोमा सिर्फ डिप्लोमा करना है तो ना तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स लेना ना ही आप इलेक्ट्रिकल लेना, सॉरी कंप्यूटर साइंस लेना। तो अगर सिर्फ डिप्लोमा करना है तो तीन ब्रांच बची हैं अब आपके पास, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल। अब यहाँ भी देखो, मैं बोल दूँ कि मैकेनिकल बेटर है तो हर इंसान के लिए तो मैकेनिकल बेटर नहीं होगी ना, मैं आपके पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, हर पॉइंट आपके पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि अगर डिप्लोमा करना है तो ये ब्रांच मत लेना, ये ब्रांच में से ले सकते हो, अगर बीटेक करनी है तो इन ब्रांचों में से ले सकते हो। वैसे ही अगर आपको सिर्फ डिप्लोमा करना है तो दो ब्रांच तो आपको लेनी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस। अब मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल में से कौन सी ब्रांच आप लें डिप्लोमा में, तो देखो यहाँ भी कुछ कंडीशन है, अगर आपको बीटेक डिप्लोमा के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना है, गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाई करनी है, मतलब आपका ये एम है, ये लक्ष्य है आपका कि आपको सिर्फ मतलब सिर्फ का कहने का मतलब ये है कि आपको गवर्नमेंट की ट्राई करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 साल डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद सिलेक्शन होना ना होना वो किसी को नहीं पता होता, तो वहां पर आपको कौन सी ब्रांच लेनी है, वो ब्रांच लेनी है सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि सबसे ज्यादा मैं क्यों बोल रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग वो भी बता देता हूँ भाई, अगर थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज आए तो प्लीज आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि यार घर पर बनाते हैं, बाहर गली में कुत्ते वगैरह मतलब आवाज आती रहती है, तो यार रात में शूट करता हूँ, वैसे अभी मैं दिन में शूट कर रहा हूँ तो दिक्कत हो रही है, लेकिन प्लीज एडजस्ट कर देना मेरा भाई। हाँ मैं बात कर रहा था यहाँ पर कि हमारा इलेक्ट्रिकल और यहाँ पर सॉरी हम बात कर रहे थे कि आपको कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए डिप्लोमा के अंदर, तो मैं जैसे कि बताया अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है तो आप डिप्लोमा में सिविल ब्रांच ले सकते हैं। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, SSC JEE, RRB JEE, JEE लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं, अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ वैकेंसी किस में ज्यादा रहती है, किन ब्रांच वालों के लिए ज्यादा रहती है, तो मेरे भाई वो रहती है आपके सिविल इंजीनियरिंग के ब्रांच वालों के लिए, जिनके पास सिविल है ना उन पे ज्यादा वैकेंसी आती है, उनके लिए ज्यादा वैकेंसी आती है। लेकिन अगर आपका मोटिव ये है कि आपको सिर्फ प्राइवेट मतलब डिप्लोमा करना है, डिप्लोमा के बाद प्राइवेट जॉब करनी है, आपको गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करनी ही नहीं है,
तो फिर आप मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में से कोई भी एक ब्रांच ले सकते हैं, दोनों अच्छी ब्रांच है, दोनों का अच्छा स्कोप है प्राइवेट में। तो अब आप समझ गए होंगे, मैं सारे पॉइंटों को एक बार आपको समराइज कर देता हूँ। जैसे अगर आपको सिर्फ डिप्लोमा करना है और डिप्लोमा के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना है तो आप सिविल इंजीनियरिंग लेना, अगर आपको डिप्लोमा करना है सिर्फ और आपको प्राइवेट जॉब करनी है तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में से जो आपकी फेवरेट हो उसे ले लो, और अगर आपको डिप्लोमा प्लस बीटेक करनी है तो आप यहाँ पर कौन सी ब्रांच लेंगे, यहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में से कोई एक ब्रांच ले लो। यहाँ पर अब मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरी सारी बातें समझ आ गई होंगी, फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है तो मैं जरूर क्लियर करूंगा, कमेंट कर देना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई और आंसर। तो चलिए मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।